अपने डूबते करियर को बचाने के लिए शाहरुख खान करेंगे धूम 4। शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में दिलवाले, फैन, रईस और जब हैरी मेट से जल अपेक्षा के अनुरूप व्यवसाय नहीं कर पाई। इनमें से फैन और जब हैरी मेट से जल तो 100 करोड़ के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। इन असफलताओं ने किंग खान के सिंहासन को हिला दिया है। शाहरुख के स्टारडम पर सवालिया निशान लग गए हैं और उनक विरोधियों के स्वर तेज हो गए हैं। खबर है कि अपने डूबते करियर को बचाने के लिए शाहरुख अपने खास दोस्त आदित्य चोपड़ा के पास गए हैं। आदित्य के निर्देशन में शाहरुख ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी जैसी सफल फिल्में दी हैं। यही नहीं, आदित्य के बैनर यश राज फिल्म्स के लिए भी शाहरुख ने कई सफल फिल्में की हैं। सूत्रों के अनुसार आदित्य चोपड़ा धूम सीरीज की चौथी फिल्म धूम 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी मनीष शर्मा को दी है, जिन्होंने आदित्य के लिए कुछ फिल्में निर्देशित की है। शाहरुख से जुड़े एक सूत्र ने बताया, शाहरुख ने पिछले दिनों आदित्य से मुलाकात की और धूम सीरीज की फिल्म करने की इच्छा व्यक्त की। शाहरुख को एक ब्लॉकबस्टर की सख्त जरूरत है ताकि वे लोगों के मुंह बंद कर सके। धूम सीरीज की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं और शाहरुख इस सीरीज के जरिए अपने करियर को फिर पटरी पर लाना चाहते हैं। शाहरुख इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाएंगे। यूं भी इस सीरीज में नेगेटिव किरदार निभाने वालों को ही चर्चा मिली है। धूम में जॉन अब्राहम, धूम 2 में ऋतिक रोशन और धूम 3 में आमिर खान के किरदार ग्रे शेड लिए हुए थे और उन्हें ग्लैमरस तरीके से दिखाया गया था। वैसे भी शाहरुख खान ग्रे किरदारों में जमते हैं। यह भी बताया गया है कि धूम 4 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की छुट्टी हो सकती है, जिन्होंने धूम सीरीज की तीनों फिल्मों में काम किया है। धूम 4 को धूम रिलोडेड नाम से बनाया जा सकता है। 2004 में धूम, 2006 में धूम 2 और 2013 में धूम 3 रिलीज हुई थी।